नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बार 21 जून को लगने वाला है पूर्ण सूर्य ग्रहण। बहुत भयानक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मतलब लगभग ये बताते हैं कि 94% सूर्य ढक जाएगा। तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, काफी खतरनाक सूर्य ग्रहण मानी जा रही है। 21 जून 2020 को यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष लोग होते हैं, उनकी दृष्टि से इसका बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है, लोग यह कह रहे हैं। वैसे भी दुनिया इस सवेर 2020 जो है काफी खतरनाक है। पहले से ही पूरी दुनिया नाजुक दौर से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था में भी गिरावट है, और बताते हैं कि और भी गिरावट देखी जा सकती है। मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है। सूर्य ग्रहण को क्या है, ज्योतिषी और साइंटिस्ट दोनों, ज्योतिष और साइंटिस्ट दोनों लोग इसको अच्छा नहीं मानते। इससे कई सारी घटनाएं होने का डर बना रहता है। देखिए, पिछली बार जो सूर्य ग्रहण आया था, उसके बाद से पूरी दुनिया कितनी बुरी दौर से गुजर रही थी इस टाइम, और इस बार का मतलब लोग बता रहे ऐसे ही, इसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। तो इस बार को क्या बता रहे हैं कि 94% जो सूर्य है वह ढक जाएगा, मतलब कि ग्रसित हो जाएगा, और दिन को रात जैसा अनुभव हो सकता है। हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होगा। और ये भी बता रहे हैं कि कोई जगह तारे भी दिखाई दे सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग कई सारे रिसर्च जो करते रहते हैं, वह बता रहे हैं कि देखिए, रात जैसा माहौल हो सकता है, और उसके बाद तारे भी दिखाई दे सकते हैं कई सारे जगह पर। और यह जो सूर्य ग्रहण है, सुबह 9:26 पे लगेगा। 9:26 में मॉर्निंग में उसके 3:28 पर यह चलेगा, और भारत में यह सुबह 10 से लेकर दोपहर को 2:30 तक यह चल सकता है। मतलब कि 4.5 घंटे यह रहेगा। अपने इंडिया में भी देखा जा सकता है, लगभग हर जगह देखा जा सकता है। और इस ग्रहण के दौरान यह सूर्य 94% ग्रसित हो जाएगा, मतलब ढक जाएगा। सोच सकते हैं कि आप खुद भी कि सूर्य ग्रहण लगता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। मतलब कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। दिन में अंधेरा सा छा जाएगा, पूरे दिन में मतलब रात जैसी अनुभव हो सकती है, और कुछ जगह पर बता रहे हैं कि तारे भी दिखाई दे सकते हैं। तो हर जगह तारे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ जगह जरूर, क्योंकि देखिए तारे क्या होते हैं, हर टाइम अवेलेबल होते हैं। रात हो या क्यों दिखाई देते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब मतलब अंधेरा हो जाए तो तारे दिखाई देते हैं। सूर्य की प्रकाश की वजह से जो तारे होते हैं वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। हमें यह सूतक भी लगता है। तो सूतक जो होता है, उनके क्या होगा कि ज्योतिष विद्या में सूतक के बारे में बताया जाता है। तो इसे एक दिन पहले 20 जून को रात को बताते हैं कि 10:20 में सूतक भी शुरू हो जाएगा। लेकिन 21 जून के दिन काफ़ी दिलचस्प खगोलीय घटना होने वाली है। दिन को ही रात के अनुभव किए जा सकते हैं। तो ये खूबसूरत सी जानकारी देनी थी इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना, और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।